प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम प्रभु राम के दर्शन से धन्य हो गए हैं। जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आप लोग हैं, पूरी कैबिनेट के साथ हैं, आपके मुख्यमंत्री जी भी हैं, रामलला के आप लोगों ने दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और पूरे कैबिनेट के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित हमारे संगठन के भी बड़े पदाधिकारी उपस्थित हैं। और आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम का दर्शन किए हैं। प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उनके माता जी माता कौशल्या वहीं की बेटी थी, और ऐसे प्रभु श्री राम का हम सब लोग दर्शन किए हैं। भगवान प्रभु श्री राम से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि सबके घर परिवार को सुख समृद्धि के साथ रहे, देश दुनिया हमारा छत्तीसगढ़ सुख समृद्धि के साथ रहे, ये भगवान से कामना करते हैं। अब अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। लगभग 22 वर्ष पहले हम लोग यहाँ अयोध्या आए थे, उस समय मंत्री नहीं हुआ करते थे, एक साधारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर परिसर में भगवान विराजमान हो चुके हैं। इसके लिए बड़े खुशी और हर्ष की विषय है कि भगवान अपने जन्मभूमि स्थल पर विराजमान हो चुके हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने दर्शन किए रामलला के अयोध्या में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के हिंदुओं को कहीं ना कहीं जब सीट हारी बीजेपी तो उनको कहीं ना कहीं गाली देते हुए लोग दिखाई दे, आप शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई दे। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही एक ईमानदार और अच्छे विकास करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व काल में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा पहल किया, और आज उन्हीं के कारण भगवान की कृपा से आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये थे मंत्री जिन्होंने नेटवर्क से बात की। उनका साफ कहना है कि प्रभु श्री राम से तमाम वो दुआएं की गई हैं, तमाम आशीर्वाद लिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़े, वहाँ के लोग सुख समृद्धि हो, इसके साथ ही जो भारत देश है वो विकासशील हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ सके। दिलीप के सामने लालचंद, नेटवर्क।